भाइयों और बहनों, देश के संसाधनों पर वंचितों का, गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी, गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हमने करीब करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए। यहां यूपी में भी करोड़ों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू किया। इसमें सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महिला उद्यमियों को हुआ। यही तो सामाजिक न्याय है जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। साथियों, हमारे रेहड़ी ठेले, पटरी, फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को धुतकार देता है, गाली देकर चला जाता है, लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी इनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रेहड़ी ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान करने वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। हमने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है। जो पैसे पटरी वाले दुकानदारों को बैंक दे रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार खुद ले रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अभी तक 35 लाख से अधिक साथियों को मदद स्वीकृत की गई है। यहां बनारस में भी आज 1.25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिए गए। इस लोन से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अपनी दुकान का विस्तार करेंगे। अब कोई उन्हें गाली नहीं दे पाएगा, उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। गरीब को स्वाभिमान, ये मोदी की गारंटी है।